ओम शांति। आज आपका 152वें दिन का ईश्वरीय वरदान, और इस वरदान में आगे जाने से पहले आपको याद दिला दूं कि आप इस लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और योगा आसन और कैसे हेल्थ को कैसे अच्छा रखें, नींद कैसे पूरी करें और कैसे नींद को कौन कौन सी चीज़ें असर करती है, वो सारे वीडियो के लिंक ऊपर दिए हुए हैं। तो इसको क्लिक करें और आगे देखें। तो आज के वरदान में आगे बढ़ते हैं। आज के वरदान में परम पिता परमात्मा कहते क्या है, बाबा हमें याद दिलाते हैं कि जैसे कोई बहुत ही रॉयल व्यक्ति होता है, राजा होता है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट होता है, वो हर चीज़ को बहुत ही स्पष्ट चेक करके उसके बाद में ही उसको सोचता बोलता करता है, चाहे वो खाने से लेकर के, चाहे वो निर्णय लेने की जो भी प्रक्रिया हो, हर चीज़ में मंत्रियों के साथ में चेक करता है, हर चीज़ में अपनी फैमिली के साथ में चेक करता है। तो यहाँ पर भी परमात्मा चाहते हैं कि हम ऐसा ही कुछ करें अपने कर्मों से, ताकि हम अपने कर्मों को चेक करके ही करें, चाहे वो सोचना हो, चाहे वो बोलना हो, चाहे वो कर्म करना हो। तो देखें आज बाबा कहते क्या है इस वरदान में। बाबा कहते हैं चेकिंग करने की विशेषता को, चेकिंग करने की विशेषता को अपना निजी संस्कार बनाने वाले महान आत्मा भव। चेकिंग करने की विशेषता को अपना निजी संस्कार बनाने वाले महान आत्मा भव, कि ये एक हमारा एक पाठ बन जाए। ऐसे नहीं कि आज किया, फिर 10 दिन बाद किया, फिर कुछ महीनों बाद किया और बीच में सारे कर्म हमारे खराब होते जाएं। परमात्मा कहते हैं यहाँ को एक संस्कार बन जाए हर दिन। तो विस्तार में चलते हैं। जो भी संकल्प करो, बोल बोलो, कर्म करो, संकल्प करो, बोल बोलो, कर्म करो, संबंध व संपर्क में आओ, किसी से आप मिलते हो, किसी से संबंध बनता है, आप कहीं नौकरी करते हो, कहीं बिजनेस करते हो, किसी नए व्यक्ति से मिलते हो किसी कारण से भी, तो संबंध में आते हो या संपर्क में आते हो, आओ, सिर्फ यह चेकिंग करो कि यह बाप समान है। बाप समान मतलब परम पिता परमात्मा समान। क्या मेरे कर्म परमात्मा के अनुसार हो रहे हैं, जैसे बाबा ने हमें समझाया हुआ है कि सोचना कैसे, बोलना कैसे, करना कैसे, सुबह से लेकर के रात तक की सारी चीजें बताई परमात्मा ने ब्रह्मा कुमारी इसमें, कि बच्चे ऐसे तुम जियोगे तो तुम्हारे अंदर रॉयल संस्कार बनेंगे। तो परमात्मा बोला चेकिंग करो कि अब बाप समान है। अगर परम पिता परमात्मा मेरी जगह होते इस सिचुएशन में, इस व्यक्ति के सामने या इस स्थिति में, तो क्या करते, क्या सोचते, अगर मेरे ऊपर ये सिचुएशन आई है या मेरे अंदर ये कमी कमजोरी मुझे पता चली है, तो परमात्मा होते तो करते क्या इसके बारे में। किसी व्यक्ति से बात करते समय कैसे बात करते, किसी के बारे में सोचते समय क्या सोचते, किसी के लिए कुछ करते समय क्या करते, कुछ लेते क्या रिटर्न में, कुछ मांगते रिटर्न में, कुछ बोलते क्या कि मैंने इतना किया आप मेरे लिए भी इतना करो। तो हम किसके बच्चे हैं, परमात्मा के बच्चे, तो हमें किसके जैसे बनना है, ये याद रहे आपको। फिर आगे देखें बाबा कहते हैं जैसे स्थूल में भी कोई आत्माओं के संस्कार होते हैं, पहले चेक करेंगे फिर स्वीकार करेंगे। एक प्राइम मिनिस्टर को भी पहले खानसामा टेस्ट करके खाना देता है, उसके जो बॉडीगार्ड्स होते हैं चेक करते हैं पहले, कुछ होते लोग हैं वो चेक करते हैं, उसके बाद ही प्राइम मिनिस्टर को या प्रेसिडेंट को खाना दिया जाता है। राजाओं के साथ भी ऐसे किया जाता था, किसी दावत में जाते थे तो पहले उनके मंत्री या कोई आकर के कोई एक सेवक को रखते थे जो कि टेस्ट करता था, और टेस्ट करके उसके बाद में ही राजा स्वीकार करते थे खाना। परमात्मा कहते हैं कि तुम भी तो मेरे रॉयल बच्चे हो, तो रॉयल होने के लिए पहले टेस्ट करो क्या चीज को, संकल्पों की क्वालिटी को। तो संकल्प कैसे हैं, क्वालिटी कैसी है, टेस्ट करो, टेस्ट करो उनको भी, और पता करो कि ये संकल्प बाप समान है, परमपिता परमात्मा समान है। अगर नहीं है तो सोचना छोड़ दो उन संकल्पों को, ब्रेक लगाओ संकल्पों को, यू टर्न लो उन संकल्पों में, और उनको परिवर्तन करो, अपवित्र से पवित्र करो, क्योंकि ये संस्कार बन जाते हैं अपवित्र सोचने के। तो बाबा कहते हैं ये करते रहोगे, ये अगर निजी संस्कार बना दोगे तो फिर गलतियां कम होंगी। फिर अरे क्यों बोल दिया, नहीं बोलना था, अरे क्यों देख लिया, नहीं देखना था, अरे क्यों सुन लिया, नहीं सुनना था, अरे क्यों कर दिया, नहीं करना था, ये चीजें नहीं होंगी, जिससे कि हम अपनी ही एनर्जी ड्रेन आउट करते हैं या हम कमजोर फील करते हैं, हमारी विल पावर कम होती रहती है, मेरे से तो नहीं होता, बहुत ट्राई कर लिया, ये बातें नहीं होंगी। तो परमात्मा कहते हैं इस टूल को अपनाओ अपने जीवन में, चेक करो। तो बाबा कहते हैं फिर आगे ऐसे आप महान पवित्र आत्माएं हो, याद दिला रहे हैं कि वो तो राजा हैं, वो तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है, लेकिन आप कौन, आप महान
पवित्र आत्मा है, परमात्मा के बच्चे हो, हम भूल जाते हैं ये सारी चीज को। हम सोचते हैं कि हम फलाने के बेटे बेटियां हैं, हम फलाने धर्म से हैं, या हम फलानी जात से हैं, फलाने प्रांत से हैं। परमात्मा कहते हैं तुम तो पहले मेरे बच्चे हो, तो धरती पे आने के बाद में तुम्हें ये सारी चीजें मिली हैं, बाकी जात पात ये सारी चीजें तुमने अपने आप से बनाई हैं नीचे धरती पा करके। वो भी अहंकार के कारण एक दूसरे को अलग कर दिया, ईर्ष्या के कारण एक दूसरे को अलग कर दिया, और इतने सारे अलग अलग चीजें बना दी तुमने। परमात्मा कहते हैं कि असल में तो तुम मेरे बच्चे हो, तो वो पहले याद करो, बाकी चीजों से अपना मोह या उनसे संबंध को भूलो और मेरे बच्चे बनो, तब जाकर के तुम ये संस्कार अपने अंदर ला पाओगे। आगे देखें बाबा कहते हैं, तो ऐसे आप महान पवित्र आत्माएं हो, तो चेकिंग की मशीनरी तेज करो। एक मशीनरी होती है जो कि फटाफट फटाफट ब्रेड बना देती है, बिस्किट बना देती है ना, फटाफट बनाती है। जितना जल्दी उसके अंदर फीड डालोगे उतना फटाफट वहां पे होगा। परमात्मा कहते हैं उतनी जल्दी तुम भी अपने अंदर ये परिवर्तन लाओ, ये संस्कार को अपनाओ फटाफट, ताकि तुम्हारी हर सेकंड, अगले सेकंड से ही कोई गलतियां ना हो। सोचो पहले, चेक करो कि वो सही सोचा कि नहीं सोचा, फिर बोलो चेक करके, फिर उसके बाद में कर्म में लाओ। परमात्मा कहते हैं तो चेकिंग की मशीनरी तेज करो, इसे अपना निजी संस्कार बना दो, ओरिजिनल संस्कार। यही सबसे बड़ी महानता है। आज इंसान तो बिना सोचे बिना बोले कुछ भी कर देता है, और उसके बाद में बोलता है अरे ये तो नहीं करना चाहिए था, पहले बता देता तो ठीक रहता, पहले सोचता तो ठीक रहता। परमात्मा कहते हैं ये गलतियां ना करना, क्योंकि पाप का घड़ा भरता जाएगा, भारीपन आत्मा में महसूस होता जाएगा, मन बुद्धि एकाग्र नहीं हो पाएगी। तो मन में बुद्धि एकाग्र नहीं होने के कारण, मेडिटेशन नहीं लगने का कारण यही है कि आप बिना सोचे आप बोल देते हो और बिना सोचे कर्म कर देते हो। ध्यान दें इसके ऊपर। तो आज के ये ईश्वरीय वरदान बहुत ध्यान से सोचिए, पूरे दिन अटेंशन रखिए कि मुझे रॉयल आत्मा को चेक करना है, क्या सोचा क्या बोला और क्या किया। ओम शांति।